नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सर्कल एट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे बिहार में आने वाली नई भर्ती के बारे में। दोस्तों बता दें टोटल दो भर्ती के बारे में अपडेट देंगे। एक दोस्तों भर्ती आपको बता दें यहाँ पे 33 श्रेणी के पद हैं। दोस्तों बता दें टोटल यहाँ पे 7000 पदों पर बहाली यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर 10th पास और 12th पास आपको बता दें सहायक के पद हैं। और दोस्तों एक और पद के बारे में आपको बताएंगे बिहार में आई हुई वैकेंसी। दोस्तों इस तरह बिहार से वैकेंसी जुड़े हुए पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन, वहां पर दोस्तों सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तो बिहार जुड़ी कोई भी अपडेट आप सभी को मिस ना हो जाए। दोस्तों आइए बात करते हैं पहली अपडेट के बारे में। पहले आपको बहाली बता दें कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ पे कटिहार के तरफ से आ रही है। आपको बता दें विकास मित्र के रिक्त पदों हेतु नियोजन की यहाँ पे सूचना दी जा रही है। आपको बता दें यहाँ पे कटिहार अंतर्गत यहाँ पे प्राणपुर यहाँ प्रखंड में कुल यहाँ पे एक पद विकास मित्रों की यहाँ पे पद जो है मृत्यु या त्याग पद के कारण रिक्त है। तो इसके लिए यहाँ पे नियोजन के लिए पंचायत के महादलित यहाँ पे बलता प्राप्त यानी कि आपको मुसहर यहाँ पे जाति जो है उसके लिए यहाँ पे प्रकाशन की जा रही है। 30/5 तक आपको प्रखंड कार्यालय में आवेदन यहाँ पे जमा करना है। ये दोस्तों इनका वेबसाइट दिया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्राणपुर है, पंचायत है यहाँ पे बर्थ यहाँ पे बरछल्ला और एक है मुसहर जाति के। आपको यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे मैट्रिक पास हैं जिनका भी यहाँ पे सर्वाधिक अंक होगा उनका यहाँ पे चयन किया जाएगा। दोस्तों जो भी लोग हैं उनको अगल बगल आप जो भी हो उनको शेयर जरूर करें। साथ साथ मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पर यहाँ पे नॉन मैट्रिक यानी कि 9वीं पास, 8वीं पास, 7वीं पास, 6वीं पास, 5वीं पास का नियोजन किया जाएगा। महिलाओं के लिए शैक्षिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर रहने पर भी चयन हो जाएगा। अब दोस्तों ये थी अपडेट, आप लोग जो भी हैं यहाँ पे भर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में। दोस्तों हाल ही का अपडेट है, एक दिन पहले का, आपको बता दें यहाँ पे प्रदेश में अंगीभूत कॉलेजों में तृतीय श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति जल्द। आपको बता दें यहाँ पे प्राचार्य की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए होगी। जैसे कि दोस्तों प्राचार्यों की नियुक्ति यहाँ पे चल रही थी, सहायक यहाँ प्राध्यापक के बाद होगी यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे सहायक के भी तकरीबन 22 वर्षों के बाद प्रदेश में सभी अंगीभूत महाविद्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति होगी। ये दोस्तों बता दें इन कर्मचारी की नियुक्ति अवर सेवा चयन पार्षद से होगी। माना जा रहा है कि ऐसे में कर्मचारी की रिक्ति तकरीबन 7000 यानी दोस्तों 7000 कर्मचारी की यहाँ पे नियुक्ति यहाँ पे होने वाली है, जिसके लिए दोस्तों अंगीभूत महाविद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर यहाँ पे करा कर रिक्ति अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश कुलपति यहाँ पे कुल सचिवों को दिया गया है। साथ ही अंगीभूत महाविद्यालय प्रचार के नियुक्ति विश्वविद्यालय यहाँ पे बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर 5 वर्षों के लिए होगी। अगर 5 वर्षों में सेवा यहाँ पे संतोषजनक रहा तो अगले 5 वर्ष के लिए विस्तार किया जाएगा। दोस्तों बता दें यहाँ पे विभाग में तृतीय श्रेणी के कर्मियों के लिए यहाँ पे रिक्ति की सूची कुलपतियों से मांगी और यहाँ पे 5 वर्षों के लिए होगा प्रचार का कार्यकाल। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, सहायक प्राध्यापक के बाद होगी यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया। और जो 7000 आपको बता दें ये आपको विश्वविद्यालय में जैसे कि असिस्टेंट क्लर्क ये सभी के पोस्ट हैं, चपरासी ये सभी पोस्ट हैं। दोस्तों अब आपको बता दें इसमें क्या शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी विश्वविद्यालय कुलपतियों कुल सचिवों कहा है कि अंगीभूत महाविद्यालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की रिक्ति के लिए रोस्टर क्लियर कराकर रिक्तियां अविलंब भेजें। उन्होंने बताया कि अंगीभूत महाविद्यालय प्रचार की नियुक्ति यहाँ पे बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा के 5 वर्षों के लिए होगी। अगर 5 वर्षों में सेवा संतोषजनक रहेगी तो अगले 5 वर्ष के लिए उन्हें बढ़ाया जाएगा। ये दोस्तों तथा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन पहले ही किया जा चुका है। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है, कर्मचारी यहाँ पे आने वाली है। और ये दोस्तों एक अपडेट है बिहार में आई वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों इस तरह वैकेंसी आप सभी को अपडेट देंगे, जो भी अपडेट आएगी आप सभी को अवगत कराते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह आप सभी को अपडेट मिलेगी। मिलते हैं और